पी आई सी माइक्रो कंट्रोलर पी आई सी एक छ एफ छ आठ चार उच्च प्रदर्शन कम लागत एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए उत्तम सिर्फ पैंतीस विभिन्न इंस्ट्रक्शंस इंटरप्ट कैपेबिलिटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड निम्न पावर आठ दशमलव पांच माइक्रो एम्पियर एट बत्तीस किलो दो दशमलव शून्य वोल्ट पेरिफेरल फीचर्स विशेषताएं व्यक्तिगत दिशानियंत्रक वाले बारह इनपुट आउटपुट पिंस दस बिट एडी कन्वर्टर आठ या सोलह बिट टाइमर काउंटर विशिष्ट कंट्रोलर फीचर्स इंटरनल एक्सटर्नल ऑसिलेटर पावर सेविंग स्लीप मोड हाई एंड फ्लैश ईईपी रॉम सेल बारह पिंस दो शून्य चार आठ इंस्ट्रक्शंस एक सौ अट्ठाईस बाइट वेरिएबल मेमोरी एडीसी कंपेरेटर टाइमर्स आईसीडी पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर पी आई सी को मूल रूप से जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा डिजाइन किया गया था पी आई सी माइक्रोचिप को बेच दिया गया सीपीयू एक पीआईसी सीपीयू में कई सब यूनिट्स होते हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर एएलू एक्यूमुलेटर कंट्रोल यूनिट आदि सामान्यतः यह रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी आर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है आर डिजाइन में प्रायः कंप्यूटर द्वारा डी तथा एग्जीक्यूट किए गए इंस्ट्रक्शन सरल होते हैं मेमोरी चिप का मेमोरी डाटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करता है सभी सामान्य माइक्रो कंट्रोलर्स की ही तरह PIC चिप में भी कुछ रैम रोम, ईपी रोम या अन्य फ्लैश मेमोरी होती है एएलयू अस्थायी कार्यरत रजिस्टर या रजिस्टर फाइल पर क्रिया करता है आठ बिट वाइड एएलयू एक ऑपरेंड W रजिस्टर में होता है तथा अन्य किसी इमीडिएट कांस्टेंट का फिन रजिस्टर होता है स्टेटस रजिस्टर में विभिन्न फ्लैग्स को प्रभावित करता है जैसे कि कैरी डिजिट कैरी जीरो रीसेट में लगा पावर पीओआर का कार्य होता है ये तय करना कि पावर ऑन होने पर प्रोसेसर तय एड्रेस पर स्टार्ट हो रीसेट फंक्शन प्रोग्राम काउंटर को प्रारंभ पर सेट करता है पावर अप टाइमर यह एक खास टाइमर होते हैं जो पी के पावर पे रीसेट होने पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को लंबित कर देता है इससे वीडीडी को आवश्यक लेवल तक पहुंचने का समय मिल जाता है ब्राउन आउट डिले जब पावर की आपूर्ति आवश्यक वोल्टेज से कम होती है चार वोल्ट पी के संदर्भ में यह पी को रीसेट कर देता है प्रोग्राम मेमोरी स्पेस आठ के लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए तेरह बिट प्रोग्राम काउंटर हरेक लोकेशन चौदह बिट वाइड होता है इंस्ट्रक्शंस चौदह बिट लंबे होते हैं रीसेट वेक्टर शून्य 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 चार एच होता है जब सीपीयू रीसेट होता है तो पीसी स्वतः शून्य पर चला जाता है इंटरप्ट वेक्टर शून्य 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 चार एच होता है शून्य 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 चार एच प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाता है जब कोई इंटरप्ट घटित होता है वेक्टर कोड का एड्रेस जिसे दिए गए इंटरप्ट के लिए एग्जीक्यूट होना है